कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा ने नगरोटा बगुआ के गांधी मैदान में परिवर्तन प्रतिज्ञा महारैली में पुरानी पेंशन को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा कह रही है कि पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के लिए भाजपा के पास 10 लाख करोड़ रुपए हैं पर कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। प्रियंका गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर भी निशाना साधा। क्या बोली प्रियंका गांधी, सुनिए। पुरानी पेंशन हम कहते हैं हम देंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव के मंच पे खड़े हैं, हम इस आधार पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने किया है, हम दे रहे हैं पुरानी पेंशन। भाजपा वाले कहते हैं इसके लिए पैसे नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं आपके, उनके लिए 20,000-30,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप माफ करने के लिए तैयार हैं, उसके पैसे कहां से आए? 10 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के आपने कर्ज माफ कर दिए, उसके लिए आपके पास पैसे थे, लेकिन आपके पास उस कर्मचारी के लिए पेंशन के पैसे नहीं है। वो कर्मचारी जो जब नौकरी लेता है तो यही सोच के लेता है कि बुढ़ापे में मेरी कोई सुरक्षा होगी, बुढ़ापे में मेरा कोई साथ होगा, थोड़ा पेंशन मिलेगा, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। अग्निवीर स्कीम हो सकती है जिससे सेना को ठेके पे दिया जा रहा है, आप अपने बेटों को सरहद पे भेजेंगे ताकि 4 साल बाद वो आके किसी ऑफिस में कोई कर्मचारी की तरह काम करेंगे। क्या यह है आपके मन में कि आप सोचते हैं कि जाएंगे सरहद पे देश की रखवाली करेंगे और पूरे जीवन फिर देश उनकी रखवाली भी करेगा? तो सोचिए कि क्या कहना चाहते हैं ये लोग। आपको ना रैंक पेंशन देना चाहते हैं, ना रोजगार देना चाहते हैं, ना महंगाई कम करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते अपने लिए, आपके लिए, सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये खड़े हैं आपके सामने। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज के साथ।